हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने जो पुराने सिक्के हैं और नोट हैं कैसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेगुलर बेसिस पे ऐसे बहुत से लोग के क्वेश्चन आते हैं कि सर, अपने जो पुराने सिक्के हैं और नोट है कहां सेल करें और कैसे सेल करें। क्योंकि अगर किसी के पास भी पुराना सिक्का है या नोट है तो सबके यही क्वेश्चन होते हैं कि कहां सेल करें, और आपको कलेक्टर्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछली बार जो हमने गिव अवे रखा था तो उसमें गिव अवे में दो विनर आए थे, उसमें से एक विनर को वो नोट सेल करनी है, तो कलेक्शन करने में बहुत ही कम लोग का इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आपके जो पुराने सिक्के होते हैं या नोट्स होते हैं खरीद पाए। तो दोस्तों, इसके दो तीन तरीके होते हैं। जैसे कि जो पहला तरीका, आप उसको फेसबुक ग्रुप पे सेल कर सकते हैं। आप वहां फेसबुक, बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं जहां पे नोट्स और कॉइन्स सेल होते हैं, लेकिन जो पहली कंडीशन होती है सेल करने की, आपकी जो कॉइन की वैल्यू होनी चाहिए जेन्युइन होनी चाहिए। मतलब कि जो रियल मार्केट में वो प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे अगर आप सेल करने जाएंगे अपने कॉइन को तो बहुत ही आसानी से सेल हो जाएगा। ऐसे एक रुपए का 1947 का कॉइन है, तो मैंने बहुत से लोग को देखा है कि वो सेल तो करने जाते हैं लेकिन उसकी वैल्यू 10,000 5,000 डाल देते हैं, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू है वो 60 रुपए से लेकर 120 रुपए के बीच में है। तो अगर आप ये वैल्यू डालते हैं वहां पे तो आसानी से सेल हो जाएगा, अदरवाइज इससे ज्यादा वैल्यू डालते हैं तो बहुत ही मुश्किल है सेल होना। बहुत से लोगों ने देखा ज्यादा वैल्यू डाल देते हैं, उसके बाद से हमें कहते हैं सर हमारा कॉइन या नोट सेल नहीं हुआ। और दूसरा होता है कि आप ओएलएक्स पे भी सेल कर सकते हैं। ओएलएक्स पे बहुत से ऐसे कलेक्टर्स होते हैं, जैसे हमने बहुत से कॉइन्स ओएलएक्स पे सेल किए हैं, बहुत से कलेक्टर्स जेन्युइन कलेक्टर्स ओएलएक्स पे भी मिल जाते हैं, तो वहां पे भी आप जाके अपने कॉइन्स और नोट सेल कर सकते हैं। और उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आप फेसबुक के थ्रू, बहुत से फेसबुक पे जेन्युइन कलेक्टर्स हैं, जेन्युइन जो नॉलेज देते हैं, वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको जेन्युइन चीजें बता सकते हैं कॉइन्स या नोट्स के बारे में, तो आप वहां पे जाइए और उनके उनके थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जेन्युइन कलेक्टर्स और बायर्स मिल जाएंगे, वहां पे आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने कॉइन या नोट सेल कर सकते हैं। और उसके बाद से आता है लास्ट एग्जीबिशन। फिलहाल लॉकडाउन, ये कोरोना की वजह से एग्जीबिशन हो नहीं रहे, तो ये तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन एग्जीबिशन में भी अपने कॉइन्स आप जेन्युइन तरीके से सेल कर सकते हैं, और जो जेन्युइन वैल्यू होती है कॉइन की वो आसानी से आपको पता चल जाती है। अगर आपके पास कोई कॉइन है और उसकी जेन्युइन वैल्यू पता करनी है तो आप उसके लिए तो या तो कैटलॉग या कॉइन्स की बुक्स ले लीजिए, अदरवाइज आप हमारे चैनल पे उस कॉइन को सर्च करिए, उस पे हमने हो सकता है वीडियो बनाई हो। अगर वीडियो नहीं बनाई हो तो आप हमें हमारे पर्सनल मैसेज पे मेल करके या इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करके आप हमें जो उसकी वैल्यू है वो पूछ सकते हैं। तो जब आपको जेन्युइन वैल्यू है, मार्केट प्राइस पता चल जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग फेसबुक पे या ओएलएक्स पे पोस्ट करिए, और जो आपका कॉइन है 100% बिकेगा, इसमें दो राय कुछ भी नहीं है, आराम से वो कॉइन्स आपके बिक जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा प्राइस डालते हैं उस कॉइन की तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जिस कॉइन की वैल्यू आपको 10 से 15 रुपए मिलने वाली है, अगर उसका वैल्यू आप 2000 4000 डालेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे कि लाख या करोड़ मिले, तो कोई नहीं सेल करेगा, क्योंकि बहुत ही कम कलेक्टर होते हैं। जैसा कि आपने देखा है, कलेक्शन कॉइन कलेक्शन करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे आपको। अगर आप कहीं रहते हैं तो उसके अगल बगल ही देख लीजिए कि बहुत ही कम होंगे जो कॉइन कलेक्ट करते होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिक्का है, नोट है, जो आपको लगता है कि रेयर है, तो आप पहले उसके बारे में जो नॉलेज है वो इकट्ठा करिए, उसके बाद से ही उसको पोस्ट करिए। बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो कि रेयर होते हैं, जिनकी वैल्यू लेकिन जैसे 400-500 तक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, 1 रुपीज का जो क्रॉस कॉइन आता है 2004 का मुंबई मिंट का, इन नॉर्मल जो क्रॉस कॉइन आता है 2005 वाला, उससे इसकी ज्यादा बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और बहुत ही रेयर होता है। लेकिन इसकी वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 200 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच में होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपको ये कॉइन कभी कभी 200 में भी मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी ये कॉइन अगर आप खरीदने जाते तो 300 से कम में कोई भी डीलर आपको नहीं देगा अच्छी कंडीशन में। तो ये चीजें डिपेंड करती है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप अपने कॉइन का जो इमेज है वो फेसबुक पे ओएलएक्स पे पोस्ट करिए, और हम 100% गारंटी लेते हैं कि ये जो आपका कॉइन है जरूर सेल हो जाएगा, अगर रेयर हुआ तो। अगर आपके पास रेयर कॉइन्स है तो वो बहुत आसानी से सेल हो जाते हैं, अगर कोई कॉमन कॉइन है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कॉमन कॉइन के जो कलेक्टर्स होते हैं बहुत ही कम मिलते हैं। तो अगर आप चेक करिए अपने कॉइन के बारे में, नॉलेज इकट्ठा करिए, अगर आपको लगता है कि वो रेयर कॉइन है और उससे उसको खरीदने से डीलर का भी बेचने के बाद कुछ प्रॉफिट होगा तो वो जरूर सेल हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती है, सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, दबा दें बेल बटन, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, और एक और रिक्वेस्ट है आपको, हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल की लिंक मिल जाएगी,
उस चैनल पे हम फैक्ट्स बताते हैं, तो आप उस चैनल पे भी जाइए, वहां की वीडियोस देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।